हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गहरे संकट में फंस गई है। तीन विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस का समर्थन करने के ऐलान के बाद अब दूसरे विधायक भी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में इस समय 88 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 है, लेकिन बीजेपी के पास इस समय 40 सीटें हैं, जबकि दो निर्दलीय और हरियाणा लोक हित पार्टी के एक विधायक का उसे समर्थन है, यानी बहुमत से बीजेपी दो सीट पीछे है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और 4 निर्दलीय विधायकों का भी उसे समर्थन हासिल है। इस बीच जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। जेजेपी के 10 विधायक हैं और जेजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो वो सरकार को बाहर से समर्थन देने को तैयार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, वो कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बहुमत में नहीं बची है। सरकार को सदन में बहुमत साबित करना चाहिए, नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी नंबर जुटाने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों का किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है, क्योंकि 5-6 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधायक बीजेपी के साथ जाकर किसानों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार कभी भी गिर सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।